यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है ये बिल्कुल आपके स्कूल कॉलेज और अन्य एग्जामों से परे अलग तरह की परीक्षाओं से इसमें बच्चों को क्या अलग करना होता है और और परीक्षाओं से अलग कई पैमाने में है मेक टू टू दैट आई क्रैक एनसीआर को पढ़े यूपीएससी अटेम्प्ट करने की सोच भी नहीं सकते ऐसे प्रूवन सक्सेस फॉर्मूले फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स क्या NCRT पढ़ने पढ़ने है एनसीआरटी पढ़नी ही पढ़नी है पीवाई लगाना ही लगाना है आपको पीवीएस क्वेश्चन पेपर

नमस्कार आप देख रहे हैं शिक्षा डॉट कॉम और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ आज शिक्षा डॉट कॉम पर हम बात करेंगे एक ऐसे टीचर से जो कि बच्चों को यूपीएससी की पढ़ाई के बारे में मार्गदर्शन करते हैं उनको गाइडेंस देते हैं उनको मेंटोरिंग करते हैं सिखाते हैं गुर यूपीएससी के सब्जेक्ट्स के सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा डॉट कॉम पर थैंक यू सो मच ये मेरा सौभाग्य है दीपक जी की मैं

लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं इंश्योर होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के प्लेटफॉर्म पर हमारी जो टीचिंग मैथडोलॉजी है हम ये इंश्योर करते हैं कि उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेपचुअल डेफिनेशन क्वालिटी के हिसाब से हम उनको पढ़ाया जाए क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनकी तैयारी कहाँ तक है क्या वो एन कवर कर चुके हैं क्या वो ऑलरेडी किसी अटैम्प्ट में है या नहीं है वो तो तब पता चलता है जब वो पेड क्लासेस में आ जाते हैं जब वो कोर्सेज एनरोल कर लेते हैं लेकिन हमारा जो मार्गदर्शन रहता है वो सिंपल सिंपल ये रहता है कि एक बेसिक एक फाउंडेशन की स्थापना हम करते हैं हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर आप कहें कि हम बाइलिंग हैं तो हाँ ओके okay. अंग्रेजी में लिखा हुआ है फॉन्ट उसको हम हिंदी में भी बताते हैं और इंग्लिश में भी बताते हैं यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है ये बिल्कुल आपके स्कूल कॉलेज और अन्य एग्जामों से परे है व्यक्तित्व की परीक्षा भी है और साइमल्टेनियसली बहुत बड़ा सिलेबस भी है तो जब तक आप उसको बहुत ही प्यार से आराम से सम्मान से एक चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएगी आपने बताया कि यूपीएससी और परीक्षाओं से बिल्कुल अलग है अलग तरह का एग्जाम है ये तो अलग तरह की परीक्षाओं से इसमें बच्चों को क्या अलग करना होता है और और परीक्षाओं से अलग कई पैमाने में है जी एक तो ये ऐसा एग्जाम है कि मिनिमम दो साल लगते ही लगते हैं एक्सपर्ट से एक्सपर्ट इंटलेक्चुअल से इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट को भी दो साल लगते हैं अगर आपने कभी सुना होगा कि क्रैकड इन फर्स्ट अटेम्प्ट तो उनकी जो पृष्ठभूमि है बैकग्राउंड है वो भी दो साल कहीं ना कहीं लगाए होंगे डेढ़ दो साल तो जब आप आपके सवाल का जो जवाब है कि अलग क्या करना होता है अलग ये करना होता है कि पहले उनको ये तय करना होता है अपनी मानसिकता के साथ कि मुझे अगले डेढ़ दो सालों में मैं वचनबद्ध हूँ कि मुझे करना ही करना है ये मुझे और कोई रास्ता नहीं है यू हैव टू डू इट इज लाइक यू हैव टू मेक प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू क्रैक दिस इज दैट एग्जामिनेशन ऑफ लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट वहां तक अगर आप पहुँचेंगे तब आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा कि भाई मुझे क्लियर करना है क्रैक करना है उसके बाद फिर सारी तैयारी आती है उसके बाद फिर जितने भी सिलेबस कंटेंट पढ़ाई टीचर आते हैं वो आते हैं पहले तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा दूसरी बात अगर हम कहें इसके अलावा तो हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो हमें रिसोर्सेज बुक लिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्या ट्रेंड है ये सब देखना पड़ता है हमें क्योंकि महज 600 से 700 सीट्स होती हैं हर साल में और उसमें से आई की सीट्स लगभग 70 अस्सी होती हैं आई वैसे ही और सामान्य रूप से सारी सीटें ऐसे होती हैं अनफॉर्चुनेटली सारे तो बन नहीं सकते आई लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं अगर आप मोटिवेटेड हैं अगर सही डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं मेंटर्स आपको सही गाइड कर रहे हैं तो कोई नहीं रोक पाएगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर होने से कुछ अलग उनको ये भी करना पड़ेगा कि उनको दूसरों से अलग क्या कर सकते हैं वो आगे okay. मैंने बहुत से टॉपर्स के इंटरव्यूज भी लिए हैं और हमेशा एक एक जिस्ट मुझे मिला है कि कुछ दूसरों से अलग आप क्या कर रहे हो मेन आंसर राइटिंग में आप क्या कर रहे हो आपकी सोच क्या है जो हम कहते हैं ना कि ये जो लड़ाई है दस लाख एस्पिरेंट दस लाख बारह लाख कैंडिडेट फिल करते हैं असल में ये खुद से लड़ाई होती है हाउ वी आर इम्प्रूविंग आवर सेल्फ बेटर बेटर देन येस बेटर देन फ्रॉम आवर प्रीवियस अटेम्प्ट कुछ ये अलग पैमाने में उनको करना पड़ेगा कुछ प्रूवन सक्सेस फॉर्मूलाज भी होते हैं कि ऐसा करके जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द प्रूव सक्सेस फार्मूला इज एनसीआर बुक्स बिल्कुल अब बिना एन को पढ़े यूपीएससी अटेम्प्ट करने की सोच भी नहीं सकते ऐसे प्रूव सक्सेस फार्मूले फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स क्या क्या होंगे कुछ प्रूव सक्सेसफुल फॉर्मुलेज हैं बट इनमें भी कहीं ना कहीं हम वन परसेंट टू परसेंट करेक्शन हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एनसीआरटी पढ़नी ही पढ़नी है पी वाई क्यूज लगाना ही लगाना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहते हैं वो रामबाड़ है आपको ट्रेंड एनालिसिस पता चलता है आपको स्टाइल पता चलता है किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन आना बंद हो चुके हैं कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं मॉक टेस्ट रिवीजन का बहुत बड़ा जरिया होता है मॉक टेस्ट के जरिए आप प्रीलिम्स से दो तीन महीने पहले बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं आपने सुना होगा बहुत सारे टॉपर्स मॉक टेस्ट का जिक्र करते हैं कि मैंने पचास साठ मॉक टेस्ट लगाए दूसरी बात अगर हम मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज और एनसीआर को आगे बढ़ाएं तो प्रूवन स्ट्रेटेजी में आएगा हमारा यूपीएससी का जो ऑप्शनल है हम बहुत ध्यान से अपने ऑप्शनल को चयन करते हैं बहुत लोग मजाक मजाक में एक दो साल टू टेस्ट द यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो कुछ लोग टॉस करके भी देते हैं कि हेड्स आएगा तो एंथ्रोपोलॉजी टेल्स आएगा तो पी एस आई आर ले लेंगे देख लेते हैं कैसा होगा ये बच्चों वाला गेम है शुरू शुरू में कर लेते हैं लोग मेरे फ्रेंड का हिस्ट्री था तो चलो एक बार मैं भी लेकर देख लेता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए आपके खुद के व्यक्तित्व पे वो कौन सी किताब सूट कर रही है यू शुड फॉलो दैट ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है दीपक जी 500 में से आपको मिनिमम 250 ले आना ही है तभी आप अच्छा रैंक पा पाएंगे और ऑप्शनल में अगर आप डगमगाए तो फिर साथ नहीं दे पाएंगे फिर आप यूपीएससी का साथ बहुत टाइम तक नहीं रहेगा ऑप्शनल की स्ट्रेटजी हो गई जीएस फोर और एसे एथिक्स ये जो हम जिक्र करते हैं जो आपने प्रूवन स्ट्रेटजी बताई उसमें से एथिक्स और एसे जो भी वीडियोस देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप कम पढ़ के थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करके बहुत बढ़िया स्कोर ले आ सकते हैं क्योंकि जो इसमें कंटेंट यूज हो रहा है

किया जा सकता है उसको मुझे ऐसा लगता है कि हम हाइब्रिड मॉडल अगर अपनाएं तो वो ज्यादा बेहतर है okay. क्योंकि अंत तो हमें लिखना ही होगा हम यूपीएससी की परीक्षा ऑनलाइन तो है नहीं कर तो वो ऑफलाइन बेसिक आपको आंसर राइटिंग करनी है वो दो घंटे आप किस तरीके से वहां गुजारेंगे वो शायद आपको नहीं अंदाजा होगा उसका तो आप ऑनलाइन बैठ के नहीं कर सकते हाँ प्रैक्टिस आप करिए ऑनलाइन आप चीजें पढ़िए ऑनलाइन नोट्स आप अलग से एग्रीगेट कर सकते हैं आंसर राइटिंग आप लिखिए स्टूडेंट के खुद के बिहेवियर पे भी है किसी को ऑनलाइन कंफर्टेबल है दे आर मेरी मेनी स्टूडेंट्स दे आर कम्फर्टेबल विथ ऑनलाइन बट दे हैव साइमल्टेनियसली रिटर्न देयर नोट्स इन पेपर फॉर किया जा सकता है कई सारे हैं डॉपर्स मेरे जाने फिंगर टिप्स में मेरे कई सारे नाम हैं जिन्होंने क्रैक किया हुआ है ऑनलाइन मटीरियल ऑनलाइन अभी पी का रिजल्ट आया था उसमें कई स्टूडेंट्स निकले हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं जिनके पास जो रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं दिल्ली इलाहाबाद या फिर बेंगलोर नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो और सर जो ऑनलाइन का जो अभी बूम आया है कोविड के बाद मैं आपको एक चीज़ बहुत एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं, मैं मुझे मैंने सीखा है इन इस पूरे दौरान मैं फॉलो भी करता हूँ ऑनलाइन माध्यम में कोई कोई भी किसी भी आप चैनल का वीडियो देख लीजिए या फिर अड्डा ट्वेंटी सेवन फोर ट्वेंटी फोर सेवन का वीडियो आप देख लीजिए कोई भी एक छोटा टॉपिक कोई भी बड़ा टॉपिक बड़े आसान माध्यम से वो आपको समझा देंगे कभी कभी अगर आप अकेले कमरे में हैं पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है यहां पे ऑनलाइन आपके लिए इतना बड़ा शस्त्र बनकर आएगा आप यकीन नहीं कर सकते जहां आपको एक घंटा लगेगा समझने में वहां ऑनलाइन पांच मिनट के अंदर कंसेप्ट बता के निकल देंगे सो सम इट हैज बोथ इट्स प्रोज एंड कॉन्स एज वेल वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं कि पढ़ाई कई सालों पहले छोड़ चुके होते हैं और अचानक से अलग जगती है जीवन सुधारने की महत्वाकांक्षा बनती है आई एस पीसेस बनने की कई बार देखा जाता है कि ऐसे बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं बिल्कुल नोट मेकिंग भूल जाते हैं नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ऐसे बच्चे अगर अध्ययन शुरू करें पढ़ाई शुरू करें तो उनको आप क्या स्ट्रैटेजी बताओगे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कोविड एक वरदान के रूप में आया है वर्क फ्रॉम होम में आप चाह के टाइम निकाल सकते हो क्योंकि आपकी वो ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाता है ऑफिस का अलग से जो प्रेशर आता है प्रेशर भी कम ज्यादा होता रहता है मेरे खुद के uh, मेरे कजिन हैं जो कि ही इज एन आई एस ऑफेसर ही वॉज वर्किंग प्रोफेशनल कई मेरे दोस्त हैं रिसेंटली अभी मैंने एक टॉपर से भी मुलाकात की यू पी के टॉपर हैं आप यकीन नहीं करेंगे सात साल बाद उन्होंने तैयारी शुरू की शी वॉज वर्किंग इन अ कॉरपोरेट जॉब ठीक है कॉरपोरेट में ये सब काम कर रहे थे लेकिन सात साल बाद उन्होंने तैयारी स्टार्ट की तीन प्रयास में वो आज क्रैक कर चुकी हैं शीज डीएसपी तो ये मुमकिन है लेकिन मुमकिन कैसे है मुमकिन इस माध्यम से है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो फायदे नुकसान दोनों हैं नुकसान इस परस्पेक्टिव में है कि आप डेली आपका ऑफिस भी है क्योंकि आपका दिमाग दो जगह लगा रहेगा बस इतना ही नुकसान है फायदे इसलिए हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल प्रेशर में रहते हैं सबसे पहले वो टच करें एनसीआरटी जैसा कि आपने भी जिक्र किया था एन वो एक फाउंडेशन बनाएगी जिससे आप बड़े बड़ा पिलर उसके ऊपर खड़ा कर सकता मैं यहां रोकूंगा आपको वर्किंग प्रोफेशनल एनसीआर पढ़े क्लियर हो गया अब एनसीआर कैसे सिर्फ पढ़े तीन बार चार बार सिर्फ पढ़े या उसके नोट्स बनाए लिखे उन नोट्स को रिवाइज करें उस पढ़ने के तरीके को बताइए क्लास सिक्स से क्लास ट्वेल्व तक का है जिक्र कर किया जाता है हर बार तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप कितने परिपक्व हैं उस नॉलेज में फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप आ, हिस्ट्री ले लीजिए हिस्ट्री का अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप क्लास सिक्स के एन को उठाइए अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा मोड़ा अकबर बाबर के बारे में कुछ पता है दिल्ली के बारे में पता है ठीक है आप क्लास नाइन्थ की एन उठाइए मेरे कहने का मतलब ये है जो क्लास सिक्स की एन में लिखा है उसी को और डिटेल में क्लास एट्थ की एन में लिखा है और डिटेल में टेंथ की और फिर एक पूरा कंसेप्ट फिलॉसफी और उसका फैक्ट्स बनाया है दो क्लास ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में तो ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में ट्रेल चली आ रही है आपको लगता है कि अगर मेरी जो बैकग्राउंड है एनसीईआरटी में बेसिक नॉलेज कम है स्टार्ट करिए क्लास सिक्स से और फिर आप वैसे उस हिसाब से नोट्स बनाए जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीडिंग में राइट मेरा ये अनुमान है कि आप पहली बार एन एक कहानी की तरह पढ़िए जैसे आप मूवीज देखते हैं किसको नहीं याद होगा बाहुबली मूवी जो आजकल आई है एवरीबडी नोज अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी कहानी क्या है तो आप जिस्ट में तुरंत मुझे बता दोगे तो ये एक कहानी है कहानी के रूप में हमें अपनी एनसीआरटी पढ़नी पड़ेगी जब आप एनसीआर एक बार कहानी के रूप में पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा जिस्ट पता चल जाएगा कि अच्छा बॉस इस चैप्टर में मुझे ये जिक्र था ये बात हो रही थी जब आप दूसरी रीडिंग लेंगे तो आप प्लीज अपना पेन पेपर जो भी है उसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि एनसीआर में दीपक जी बहुत ही प्यार से चीजें दे रखी हैं इलस्ट्रेशन के साथ दे रखा है एग्जाम्पल के साथ सरकार की योजनाएं इमेज भी दे रखी है तो आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी आपका लेमन लैंग्वेज सब कुछ समझ में आ जाएगा कई सारे ऐसे टॉपर ने ये दावा किया है कुछ एन सब्जेक्ट ही पढ़ के उन्होंने उस सब्जेक्ट को क्रैक किया है सो so, ये लेवल है एनसीआर का एक कॉन्फिडेंस दे देगा उन सारे विद्यार्थियों को जो कि वर्किंग प्रोफेशनल हैं कहाँ से शुरू करें उठाइए एन लोग हवा बना के रखें एन पढ़ो एन पढ़ो इट्स नथिंग एस ये बेसिक आपको नॉलेज देता है जिसके पास बेसिक नॉलेज है वो पिलर अच्छा बना सकता है दुर्भाग्य की बात ये है कि आजकल लोगों के पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है थैंक यू सिद्धार्थ थैंक यू सो मच ये हैं सिद्धार्थ जी जो कि पढ़ाते हैं यूपीएससी के बच्चों को और एजुकेशन uh, देते हैं एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की मोटिवेट करते हैं बच्चों को ताकि यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम्स को क्रैक कर सकें तो आप भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं आप इन्हीं सारी बातों को फॉलो कर सकते हैं इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं सिर्फ कॉपी मत करिए जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि अपनी एक्सक्लूसिविटी बनाइए अपने तरी आपके पढ़ने का तरीका कुछ और हो सकता है आपके यू एग्ज़ाम को ले जाने का आगे तैयारी को आगे बढ़ाने के स्टाइल डिफरेंट हो सकता है नोट बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं तो अपने स्टाइल बनाइए लेकिन मुख्य बात यह है कि समय वेस्ट मत करिए और अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति हमेशा लगनशील बने रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विटर डॉट कॉम और सिद्धार्थी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार